Hello everyone, I am Dr. Monika Saxena from KCMT College, Bareilly. Now I will discuss my topic, blood groups. Blood groups and rhesus factor. जिस तरह से आप इस फिगर में देख रहे हैं एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, यानी जो ग्रुप ए के पर्संस हैं उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट है और ग्रुप बी के पर्संस में बी एंटीजन प्रेजेंट है. ऐसे ही ग्रुप ए बी के पर्संस में ए और बी दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं और ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है. व्हाट आर द डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स? The differences in human blood are due to the presence or absence of certain protein molecules called antigens and antibodies. The antigens are located on the surface of the RBCs and the antibodies are in the blood plasma. इसका अर्थ ये है कि antigens और antibody, ये टर्म आपने सुने होंगे. Antigens वो foreign bodies हैं जो invade करते हैं, जिसमें antigens हमेशा RBCs की सरफेस पर रहते हैं और एंटीबॉडीज हमेशा ब्लड प्लाज्मा में रहते हैं. इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट टाइप्स एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. द ब्लड ग्रुप यू बिलोंग टू डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स. नाउ देयर आर मोर देन 20 जेनेटिकली डिटरमिंड ब्लड ग्रुप सिस्टम्स नोन टुडे, like ABO system, RH system, MNS system, CAL system, Lewis system. The ABO and RH systems are the most important ones used for blood transfusions. Not all blood groups are compatible with each other. Mixing incompatible blood group lead to blood clumping or agglutination, which is dangerous for individuals. Then classification of blood groups. It classify into three system: major blood grouping system, minor blood grouping system and familiar blood grouping system. ABO blood grouping system में आपको पता है कि चार different kind के blood types हैं, A, B, AB and O. Landsteiner ने इसको discover किया था 1900 में. उन्होंने स्टेट किया कि इफ़ एन एग्लुटिनेजन इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी ऑफ एन इंडिविजुअल, द करस्पॉन्डिंग एग्लुटिन मस्ट बी एब्सेंट द प्लाज्मा ऑफ दैट इंडिविजुअल एंड वाइस वर्सा. दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर ए एंटीजन्स प्रेजेंट हैं आरबीसीज की सरफेस पर और प्लाज्मा में बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं. अगर ब्लड ग्रुप बी है, इट मींस यू हैव बी एंटीजन्स ऑन सरफेस ऑन आरबीसीज एंड ए एंटीबॉडीज इन योर ब्लड प्लाज्मा. इफ़ यू बिलोंग टू द ब्लड ग्रुप ए बी, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, इट मींस दोनों एंटीजन्स आपके संग हैं, ए एंड बी दोनों ही आपके आरबीसीज के सरफेस पर प्रेजेंट हैं, बट नो एंटीबॉडी इन योर ब्लड प्लाज्मा. ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट होती हैं. इसीलिए जो ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है, वो किसी का भी ब्लड ले सकता है और ओ किसी को भी डोनेट कर सकता है. आप इस चार्ट में देख सकते हैं ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के हैं, ए बी, ए बी एंड ओ. अब एंटीजन्स भी, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन्स ए और बी हैं, एंटीबॉडीज कोई नहीं है, यानी ये ए बी को ब्लड दे सकते हैं और रिसीव सबसे कर सकते हैं, चाहे वो ए हो, बी हो, ओ हो या ए बी हो. ऐसे ही ए ब्लड ग्रुप के जो पर्संस हैं उनमें एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज बी प्रेजेंट हैं, और ये ए और ए बी दोनों को ब्लड दे सकते हैं और ले केवल ए और ओ से सकते हैं, और इसी तरह से बी और ओ का है. तो ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि एंटीजन्स उसमें है ही नहीं, इसलिए वो किसी को भी डोनेट कर सकता है, पर ले किसी का नहीं सकता, बिकॉज देयर आर ए एंड बी, टू एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट. ओके, देन वही बात इसमें बताई गई है, ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर बिकॉज इट हैज नो एंटीजन्स ऑन आरबीसी, एंड ब्लड ग्रुप ए बी आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसीवर बिकॉज इट हैज नो एंटीबॉडीज इन द
plasma. Then RH system. It is very important system and it is also discovered by Landsteiner and Wiener in 1940s. Antigens in human RBCs are named rhesus antigens because the same antigens are present in monkey. So it is termed as rhesus system. One of the basic difference between ABO and RH system is that the RH antibodies are not natural. That is, they are not present at birth but are synthesized in RH negative persons in response to the presence of RH positive antigen. Then RH antigens are transmembrane proteins with loops exposed at the surface of red blood cells. They appear to be used for the transport of carbon dioxide or ammonia across the plasma membrane. 85% of the population is RH positive and 15% of the population is running around with RHD negative blood. Ab agar koi person, maan lijiye ki husband or wife mein, agar wife RH negative hai aur husband RH positive hai, to jo first baby hai usko koi problem nahi hogi kyunki jo lady hai uske andar RH antigens us samay जो प्रेजेंट नहीं है तो एंटीबॉडीज उसकी प्रेजेंट नहीं है. लेकिन अगर दोबारा वो कंसीव करती है लेडी तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं. फर्स्ट बेबी तक नहीं थी लेकिन अब सेकेंड टाइम में वो एंटीबॉडीज उसके अंदर डेवलप हो चुकी हैं. तो अगर अब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो ब्लड है और जो फीटस का ब्लड है वो कोगुलेट हो जाएगा, दोनों में क्लम्पिंग हो जाएगी, जिससे कि एक डिजीज़ हो जाती है, बच्चे की डेथ हो जाती है. उसे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. इनकम्पैटिबिलिटी इज सीन बिटवीन आरएच नेगेटिव वुमेन एंड हर फीटस. देन मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स आर परफेक्टली नॉर्मल बट द इनकम्पैटिबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन. The antibodies of recipient blood reacts against the antigen of donor blood and cause the clumping of RBCs known as agglutination. The agglutination can cause serious consequences and may prove fatal. That is why doctor make careful test to determine what blood must safely be used in transfusion. The antibodies in the plasma must not combine with the antigens on the surface of the red blood cells. Now ratio of different blood group in society. किस तरह से ratio है वो आप इसमें देख सकते हैं कि हर तीसरे person का blood group O positive होगा या A positive होगा, 12 लोगों में से एक B positive होगा. इसी तरह से O negative, A, AB positive, B negative and AB negative का blood group दिखाया गया है इसमें. Thank you very much for viewing and listening. Have a nice day.